जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम तुला राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे। तुला राशिफल में नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके प्रेम संबंध, आपके वैवाहिक संबंध, कैरियर, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, परिवार और धन की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तुला राशि वालों के नवंबर महीने की बात करेंगे। तुला राशि वालों के नवंबर महीने की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। प्रथम भाव में तुला राशि है और स्वामी शुक्र का जो गोचर है वो आपके धनु राशि में है, यानी तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव में गोचर है तो तृतीय भाव में रहने से शुक्र के आपके राशि स्वामी के आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आय के साधन भी बनते रहेंगे और कुछ सफलता भी मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। तो इस तरह का प्रथम भाव का परिणाम रहेगा। दूसरे की भाव की बात करें, धन भाव है, स्वामी मंगल हैं और केतु वहाँ पर गोचर में है और राहु की दृष्टि है। तो मंगल तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने आपके नवंबर के महीने में, यानी आपकी राशि में ही रहेंगे, तो धन के लिए अच्छा है। धन आता रहेगा लेकिन धन में थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि धन भाव में आपके केतु हैं और राहु की दृष्टि है, तो अचानक थोड़ा से हानि और लाभ के योग बने रहेंगे। लेकिन धन के मामले में सही रहेगा, आपको वाणी पर संयम रखना होगा, पारिवारिक वाद विवाद से भी बचना होगा। तीसरे भाव की बात करें, धनु राशि है और स्वामी गुरु हैं और गुरु 20 नवंबर तक मकर राशि में हैं, चौथे भाव में हैं, फिर कुंभ राशि में हैं, यानी चौथे और पांचवें भाव में गोचर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साह से भरपूर रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और आपको अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। चौथे भाव की बात करें, मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, वहीं पर हैं और 20 नवंबर तक गुरुदेव भी वहीं पर हैं मकर राशि में ही, तो आपके चौथे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन 20 नवंबर के बाद जब गुरुदेव पंचम भाव में चले जाएंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपको अपने परिवार के साथ वाद विवाद से बचना होगा, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि इस तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, फिर भी चौथे भाव में हैं और तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना होगा, वाद विवाद से भी बचना होगा। और अगर कोई घर गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 20 नवंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा है। पंचम भाव की बात करें, कुंभ राशि है और स्वामी शनि हैं, शनि चौथे भाव में हैं और गुरुदेव के साथ में हैं, परिणाम अच्छे रहेंगे, आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। लेकिन 20 नवंबर तक आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, शनि के साथ गुरुदेव हैं। उसके बाद गुरुदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना अच्छा जाने वाला है, लेकिन आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतनी होगी, अपने साथी से कोई बात नहीं छुपानी होगी, उनको शेयर करनी होगी। और अगर आपकी कोई ऐसी बातें जो छुपी हुई हैं पीछे से, तो हो सकता है कि वो पता भी लग जाएं और हो सकता है कि आपके अंदर गलतफहमियां और वाद विवाद पैदा हो जाएं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ईमानदारी रखनी है। तो इस महीने प्रेम संबंधों के लिए अच्छा जाने वाला है, शिक्षा के लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गुरुदेव का गोचर रहेगा 20 नवंबर से और उससे पहले गुरुदेव चौथे भाव में हैं और शनि भी आपके चौथे भाव में हैं, जो कि पंचम भाव के राजस्वामी हैं। शिक्षा के लिए ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, लेकिन शिक्षा में शनिदेव मेहनत कराने के बाद ही परिणाम देते हैं किसी भी क्षेत्र में, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी पंचम भाव के परिणाम आपके अच्छे जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको व्यापार कारोबार में ज़्यादा व्यस्त रहना पड़ेगा इस समय पर। छठे भाव की बात करें तो स्वामी गुरु हैं और चौथे भाव में हैं और शनि के साथ हैं, तो छठे भाव में ऋण रोग शत्रु का भाव है, थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, खासकर 20 नवंबर के बाद। बाकी इस महीने आपको स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा नियमित योग व प्राणायाम करना चाहिए। बाहर का कोई भी खाना खाते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जाँच परख कर खाएँ। तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन उचित मात्रा में ही करें, वरना ना करें ज़्यादा तो अच्छा है। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऋण रोग शत्रु का भाव है, और वैसे आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सप्तम भाव की बात करें, मेष राशि है और स्वामी मंगल है, और मंगल आपके तुला राशि में है, पूरे महीने यानी आपकी राशि में ही है, दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापारिक कारोबार अच्छा रहेगा, व्यापार पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपके व्यापारिक पार्टनर से बस वाद विवाद से बचना होगा, अहम को आगे ना आने दें, क्योंकि क्रोध आ सकता है आप में, इस बात का ध्यान रखना है। और जीवन साथी के साथ भी थोड़ा संयमित होकर चलना है, बाकी जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, मधुर होंगे, एक दूसरे का तालमेल निभाएंगे, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रोध से जरूर बचना होगा, क्रोध आपको आ सकता है। अष्टम भाव की बात करें तो वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर है इस महीने उनका, इस पूरे महीने धनु राशि में ही रहेंगे। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद से बचना होगा, ससुराल पद से भी थोड़ा वाद विवाद से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना है, और बाकी परिणाम अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई उच्च शिक्षा वगैरह ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 20 नवंबर तक गुरुदेव की पंचम दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है, तो परिणाम अच्छे रहेंगे। तो अष्टम भाव के मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। नवम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध तुला राशि में 2 नवंबर से और 21 नवंबर तक रहेंगे, यानी आपकी राशि में रहेंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं, और फिर धन भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो अच्छे परिणाम जाने वाले हैं, यानी भाग्य का साथ आपको मिलेगा, खासकर 21 नवंबर तक भाग्य का साथ आपको अच्छा मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, यात्रा हो सकती है आपकी, आप यात्रा पे इस महीने जा सकते हैं, धर्म कर्म में भी रुचि होगी, और आपके गुरु से संबंध भी अच्छे होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा कोई ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह के अच्छे परिणाम रहेंगे आपके नवम भाव के। और दसम भाव की बात करें तो कर्क राशि है, दसम भाव में स्वामी चंद्रमा है, तो व्यापार कारोबार में मिले जुले परिणाम देंगे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पूरे महीने सभी राशियों में गोचर करेंगे, सवा दो दिन में राशि बदल लेते हैं, तो मिले जुले परिणाम देंगे। वैसे इस महीने आपको व्यापार कारोबार में या नौकरी में किसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि गुरुदेव और शनि की दोनों की दृष्टि भी आपके दसम भाव पर रहेगी, तो नौकरी पेशा लोगों को भी फायदा होगा, वेतन वृद्धि हो सकती है, बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, और आपके सहयोगियों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, तो व्यापार कारोबार में भी सफलता रहेगी, नौकरी क्षेत्र में भी सफलता रहेगी, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं जो आपके दसम भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है व्यापार कारोबार के हिसाब से ये महीना नवंबर का आपको, और इसमें आपको फायदा मिलेगा। एकादश भाव की बात करें, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य 16-11 तक आपके तुला राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि में ही रहेंगे, आय भाव के स्वामी हैं 16 नवंबर तक आपकी राशि में, उसके बाद धन भाव में अच्छे परिणाम होंगे, धन के मामले में इस महीने अच्छे परिणाम होंगे आपके, क्योंकि 16 नवंबर तक आय भाव के स्वामी आपकी राशि में, फिर धन भाव में, तो परिणाम अच्छे होने वाले हैं। धन भाव में भी मित्र राशि में हैं, हालांकि वहां पर केतु हैं, राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आय संबंधी मामले आपके अच्छे रहेंगे, आय में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेमी या प्रेमिका से संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, शिक्षा भी इस महीने आपकी अच्छी जाने वाली है, बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर आय भाव के सारे परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। बारहवें भाव की बात करें तो बारहवें भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध आपकी राशि में 21 नवंबर तक हैं, उसके बाद धन भाव में जाएंगे। तो कुल मिलाकर जहां इनकम के साधन अच्छे रहेंगे, आय भी इस महीने अच्छी होगी, वहीं खर्चों की भरपूर अधिकता रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखें, बजट बनाकर चलना होगा, वरना मुख्यतः बात यही है कि आपको खर्चों पर नियंत्रण इस महीने अवश्य करना होगा, वरना आय तो आपकी अच्छी होगी लेकिन खर्चे ज़्यादा होने के कारण आप धन के मामले में परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे,
क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध और बारहवें भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में रहेंगे, फिर धन भाव में रहेंगे। अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ भी आपको इस महीने पदोन्नति, वेतन वृद्धि वगैरह मिल सकती है, मतलब उसके परिणाम भी अच्छे जाने वाले हैं। चलिए तुला राशि वालों के दिसंबर महीने की बात करते हैं, तो तुला राशि वालों के दिसंबर महीने का राशिफल जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के प्रथम भाव की बात करें तो स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो है आपके दिसंबर के महीने में आपके 8 दिसंबर तक धनु राशि में यानी आपके तीसरे भाव में, और फिर मकर राशि में 30 दिसंबर तक यानी पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। धनु राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में रहेंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ऊर्जावान रहेंगे आप, और चौथे भाव में रहेंगे तो व्यापार कारोबार के भाव पर दृष्टि रहेगी, करियर के भाव पर दृष्टि रहेगी। मकर राशि में रहेंगे तो व्यापार कारोबार में भी लाभ मिलेगा, तो प्रथम भाव के परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। दूसरे भाव की बात करें तो वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल अपनी ही राशि में 5 दिसंबर से रहेंगे, और उसके पहले आपकी राशि में तुला राशि में रहेंगे मंगल। तो कुल मिलाकर धन के मामले में अच्छे परिणाम रहेंगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके धन भाव में ही रहेंगे। तो आपको वाणी थोड़ी आपकी कठोर हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु भी साथ में रहेंगे, राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो वाणी पर संयम रखना होगा। पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा, धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। तीसरे भाव की बात करें तो स्वामी गुरु हैं, धनु राशि है, और गुरुदेव दिसंबर के महीने में कुंभ राशि में रहने वाले हैं यानी पंचम भाव में रहने वाले हैं, तो तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, और प्रेम संबंधों में भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहने वाले हैं, आप ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। और चौथे भाव की बात करें, मकर राशि है, स्वामी शनि है, और स्वामी शनि मकर राशि में ही रहेंगे पूरे महीने, और दशम भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो पूरे महीने मकर राशि पे रहेंगे शनि, और अपने ही भाव में रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, ईमानदारी से चलना होगा। अगर परिवार के सदस्यों के साथ आपस में कोई गलतफहमी करते हैं, कोई बात विवाद करते हैं, कोई झूठी बातें करते हैं, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, इस बाकी परिणाम अच्छे रहेंगे। और पंचम भाव की बात करें तो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं जो कि चौथे भाव में हैं, और कुंभ राशि में गुरुदेव हैं, तो शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान आपकी उन्नति कर सकती है, संतान से लाभ भी मिल सकता है आपको, संतान से संबंध भी अच्छे रहेंगे, और प्रेमी प्रेमिका से अगर वाद विवाद से आप बचें तो आपके काफ़ी अच्छे परिणाम रहेंगे इस महीने। छठे भाव की बात करें, मीन राशि है, स्वामी गुरु हैं, और गुरु आपके पंचम भाव में है, पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कर्ज लेने से भी बचें, और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको इस महीने। सप्तम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल आपके वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर से हैं, और उससे पहले आपके प्रथम भाव में हैं, तो वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो जब 5 दिसंबर तक प्रथम भाव में रहेंगे, परिणाम अच्छे रहेंगे, परिवार के भाव में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, इसलिए साथी से वाद विवाद से बचना होगा, जीवन साथी से, खासकर ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि राहु का वहां पर गोचर है और मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि भी है, तो जीवन साथी के परिवार वालों से यानी ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचें, जीवन साथी से वाद विवाद से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना होगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आपके 8 दिसंबर तक धनु राशि में, फिर मकर राशि में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे परिणाम रहेंगे, अचानक हानि अचानक लाभ के योग बने रहेंगे। और शुक्र आपके राशि स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं, इसलिए अष्टम भाव के परिणाम आपको सामान्य मिलेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई शिक्षा वगैरह ग्रहण कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें आप सफलता पाएंगे। और नवम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, फिर धनु राशि में हैं, तो बुध नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, राहु केतु के एक्सिस पर रहेंगे और दूसरे भाव में रहेंगे 10 दिसंबर तक, तो 10 दिसंबर तक आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, उसके बाद धनु राशि में जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर आ जाएगी, तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे,
पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि होगी आपकी, कोई यात्रा हो सकती है आपकी, छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, यात्रा से भी लाभ के योग बने रहेंगे आपको। और दशम भाव की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले प्रणाम देंगे, लेकिन शनि की वहाँ पर दृष्टि रहेगी, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़्यादा समय अच्छा रहेगा, उनके लिए पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है और उनके कार्यस्थल पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उनको, लेकिन परिणाम अच्छे रहेंगे। और व्यापार कारोबार के लिए जो लोग व्यापार कारोबार में हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी इस महीने, तभी परिणाम उनको अच्छे मिलेंगे। और आय भाव की बात करें तो आय भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यानी धन भाव में हैं, फिर धनु राशि में हैं। तो आय भाव के स्वामी पहले द्वितीय भाव में हैं तो धन के मामले में अच्छा रहेगा, सफलताएं मिलेंगी आपको। उसके बाद धनु राशि में जाएंगे, तीसरे भाव में भाग्य भाव पर दृष्टि करेंगे, मित्र की राशि में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा गोचर है। तीसरे भाव में सूर्य के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं, तो कुल मिलाकर आपको 15 दिसंबर के बाद धनु राशि में भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। भाग्य में सफलता मिलेगी यानी भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, कोई सरकारी कार्य करते हैं तो उसमें आपके लाभ के योग बने रहेंगे, तो इस तरह का गोचर रहेगा। और 15 दिसंबर तक जब वो दूसरे भाव में रहेंगे तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि केतु के साथ में होंगे, राहु का दृष्टि होगी, राहु केतु एक्सिस पर होंगे, लेकिन आय भाव के स्वामी हैं, धन भाव में हैं, तो थोड़ा धन के मामले में संघर्ष हो सकता है खासकर, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो आय भाव के स्वामी धन भाव में हैं। लेकिन वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा कि इस समय आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, परिवार से वाद विवाद से बचना होगा, आप में अहम भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। 12वें भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध वृश्चिक राशि में 10 दिसंबर तक हैं, फिर धनु राशि में हैं, तो 12वें भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में 10 दिसंबर तक हैं, इस समय खर्चों में अधिकता बनी रहेगी, फिर धनु राशि में रहेंगे, तो कुल मिलाकर खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना होगा, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। और जब वो धनु राशि में होंगे तो अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इस तरह के कुछ परिणाम रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों को कार्यों में सफलता भी मिल सकती है। तो और धनु राशि में जब वो होंगे तो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि भी रखेंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, बस खर्चों को बचा कर रखना होगा, यानी खर्चों में बजट बनाकर चलना होगा, भाग्य को भाग्य का साथ तो आपको इस समय पर भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह के कुछ मिले जुले परिणाम दिसंबर के महीने में तुला राशि वालों के रहने वाले हैं। तो उपाय की बात कर लेते हैं, चलिए उपाय की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए, तो आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, या अपनी जेब में एक हमेशा सफ़ेद रंग का रूमाल रख लें, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, और घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना कर सकते हैं, और शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना भी अच्छा रहेगा, और आप शुक्रवार के दिन ही दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं और उसको प्रसाद रूप में बांट दें, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों के नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।